प्यारे स्टूडेंट, लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 11वीं का सेट ए का पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का। यदि आपको 80 में से 80 पूरे नंबर चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। 100% रियल पेपर है प्यारे बच्चों, इसको बिना डाउट का पूरा अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये रियल पेपर है, बताए दे रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर लो, अपने दोस्तों में शेयर इतना करो कि एकदम वायरल कर दो, ठीक। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पास आपको दिख रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। पहला सेक्शन है रीडिंग कम्पटिशन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, यानी पैसेज को पढ़ना है और उसके आंसर देना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा आंसर मैं यहाँ पास आपको बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए, पहला क्वेश्चन का होगा सी नंबर, ठीक, एकेडमिक, और दूसरे का होगा बी नंबर एजुकेशन, ठीक, बी नंबर होगा इसका, सी नंबर होगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए तीसरे का आंसर होगा डी नंबर, कौन सा, डी नंबर, ठीक, अच्छे से भरते जाइएगा। फिर यहाँ पास चौथे का आंसर यहाँ पास आपका होगा सी नंबर, कौन सा, सी नंबर, टू फोर्स ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक। फिर पाँचवें का क्या होगा, पाँचवें का यहाँ पास आंसर बी नंबर होगा, मैं आंसर बस जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। छठवें का आंसर डी होगा, कौन सा होगा, डी नंबर होगा, यहाँ पास दिखाई दे रहा हूँ ये वाला डी नंबर, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए सातवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा इसका भी डी होगा, कौन सा होगा, डी, फॉर मेंटल डेवलपमेंट, ठीक। फिर अगला आठवां का होगा, यहाँ पास देख सकते हैं आठवें का होगा बी नंबर, ये वाला सेंट्रेरी, ठीक। फिर नौवें का क्या होगा, नौवें का आंसर होगा बी नंबर, कॉमन, और दसवें का होगा, यहाँ पास आप दसवां देख सकते हैं, इसका क्या आंसर होगा, सी नंबर, कौन सा, सी नंबर, द फाउंडेशन, ठीक। फिर क्वेश्चन क्रमांक दूसरा क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिक ऑफ योर कॉम्प्रेशन ऑफ द पैसेज गिवन अ सुटेबल टाइटल, यानी इसके नोट्स लिखना है और क्या करना है, सुटेबल टाइटल देना है। तो इसका पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ठीक, सॉरी लास्ट पे बता दूंगा इसका आंसर पूरा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक। तो इसका आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका सुटेबल टाइटल आपको क्या लिखना है, कॉमन कोल्ड, ठीक, फिर अनकॉमन प्रॉब्लम, ठीक, ये सुटेबल टाइटल है आपका, ठीक, अच्छे से लिख लेना। फिर इसका पूरा नोट्स वगैरह सारा का सारा वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा, उसको देखना मत भूलना। सेक्शन बी, यहाँ पास देखो, ये क्वेश्चन क्रमांक तीसरा है, राइट आ नोटिस ऑफ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल अटेंड अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर अ एनुअल फंक्शन, ठीक ना, ये स्कूल का नाम यहाँ पास दिया गया है, स्कूल कैंपेन है, ठीक, इसके बारे में आपको एक अच्छा सा नोटिस लिखना है, ठीक। डिजाइनिंग अ पोस्टर, यहाँ पास पोस्टर लिखना है दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक चौथा, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द न्यू नेसेसरी कॉस्टेड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकली, यानी लोकल एरिया में आपके लाउड स्पीकर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक लेटर लिखना है, ठीक। ये पूरा नाम वगैरह और पता वगैरह इसी को भरना है, ठीक। यहाँ पास यू आर
रिया वर्मा, ठीक ना, अपना नाम रिया वर्मा बताना है, और यहाँ पास ये एड्रेस है, ठीक, खरगोन का। और राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर योर बर्थडे पार्टी, यानी अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना, ठीक। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक पाँचवा क्या है, राइट इन, यहाँ पास पचमा बता रहा हूँ, राइट इन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड, यानी 200 वर्ड का यहाँ पास आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोटीट्यूज ट्रीज एंड बेनिफिट्स ऑफ मॉडल टेक्नोलॉजी, ठीक, हार्मफुल एडिक्ट्स ऑफ जंक फूड्स, ठीक, इसको आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इन सभी के आंसर मैं आपको पूरा यहाँ पास दिखा रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक एक का पूरा आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पास आप पूरा क्वेश्चन क्रमांक दूसरे का आंसर यहाँ पास देख लीजिए, नोट्स वगैरह यहाँ पास दी गई हैं, और इसको आपको पूरा विधिवत ऐसे ही लिखना है, ठीक, इतना। यहाँ पास समरी वगैरह दी गई है, समरी यदि आपको लिखना है तो समरी भी लिख लेना, और यहाँ पास सूटेबल टाइटल दिया गया है, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक। यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक तीसरे का आंसर दिया गया है, नोटिस, ये पूरा अच्छे से नोटिस आप लिख लीजिए। फिर एक तीसरे का अथवा है बम ब्लास्ट का पुलिस को इन्फॉर्म करने का, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये पूरा देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा। वीडियो क्वालिटी अच्छे से बढ़ा लीजिएगा तभी आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से मेरे को जितने क्वेश्चन के आंसर मिले मैंने आपको बता दिए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं मिले हैं वो आप खुद ढूंढ लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो अच्छी से तैयारी कर सके। मिलते हैं सेकेंड पार्ट पर इसके, और सेक्शन सी और सेक्शन डी के पूरे सोल्यूशन के साथ लाएंगे, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। इसका सेकेंड पार्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन पर कुछ टाइम बाद लिंक डाल दूंगा, ठीक। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इतना से वायरल करो, इतना वायरल करो कि जितना हो सके। और हाँ, याद रखना ये 100% जेन्युइन पेपर है, ये आपका ओरिजिनल पेपर है, और जो भी मुझे मिलता है इससे संबंधित और पेपर मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, जो बच्चे अभी तक ज्वाइन ना किए हों टेलीग्राम में फटाफट जा करके ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पास जो भी आपको बातें लगती हैं आप शेयर कर सकते हैं, उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा, रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक। तो अगले पार्ट पर मिलते हैं, सेकंड पार्ट।